खुशामदी दोस्तों, आप देख रहे हैं टेलको गुरु और आज हम करेंगे गैलेक्सी S20 फैन एडिशन की अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, तो भाई ये रहा गैलेक्सी S20 फैन एडिशन का रिटेल बॉक्स। ये फोन पाकिस्तान में 1,20,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ आया है। डिस्काउंट के बाद ये फोन आपको तकरीबन 1,14,000 रुपए का मिल जाएगा। मैंने ये फोन प्री ऑर्डर किया था, सो मुझे इसके साथ फ्री में गैलेक्सी गियर फिट 2 भी मिली। S20 फैन एडिशन का बॉक्स काफी यूनिक है। बॉक्स के ऊपर ये कुछ शेप्स एम्बेडेड हैं। बॉक्स काफी आउटस्टैंडिंग लग रहा है। हमारे पास S20 फैन एडिशन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आया है। जल्दी से फोन को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स के टॉप पे हमें ये नहायत खूबसूरत S20 FE मिल रहा है और इसके साथ नीचे हमें फोन का 15 वॉट का चार्जर और साथ में USB टाइप सी केबल मिल रही है। बॉक्स में कोई हेडफोन नहीं है और हाँ, यहाँ पे ये स्लीव भी है। इसमें फोन की सिम इजेक्ट पिन और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें कोई TPU केस भी नहीं है। भाई शुक्र है कि सैमसंग ने इस फोन की स्क्रीन पे प्रोटेक्टर लगा दिया, वरना काम खराब हो जाता। खैर, ये रहा हमारा S20 फैन एडिशन। फोन को प्लास्टिक से बनाया गया है और इसका फ्रेम एल्युमिनियम का है। क्लाउड रेड कलर, रेड से ज्यादा ऑरेंज लगता है। बैक पे मैट फिनिश है और कैमरा मॉड्यूल नोट 20 अल्ट्रा के जैसे दिखता है। फोन का फ्रेम ऐसा लग रहा है जैसे रेड एंड गोल्ड कलर्स को मिक्स करके बनाया गया हो। गैलेक्सी S20 फैन एडिशन के बॉटम पे है स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक और हाँ, इस फोन में हेडफोन जैक नहीं है। फोन के पे वॉल्यूम बटन हैं और पावर बटन हैं। टॉप पे सिम कार्ड ट्रे है जिसमें 2 सिम कार्ड या 1 सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड डाला जा सकता है। अब मैं जल्दी से S20 FE को सेटअप कर लेता हूँ। हमारा फोन सेटअप हो चुका है और ये फोन आउट ऑफ बॉक्स One UI 2.5 पे चल रहा है। फोन का सॉफ्टवेयर फुल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है। इस फोन के फ्रंट पे 6.5 का सुपर एमोलेड प्लस 120Hz वाला डिस्प्ले है, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा होने वाला है। S20 फैन एडिशन की बेजल्स थोड़ी सी दिखे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस फोन में हमें फ्लैगशिप सैमसंग डिवाइसेस वाले तमाम सॉफ्टवेयर फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा कि सैमसंग डेक्स, नियर बाय एंड क्विक शेयर फीचर्स, स्क्रीन रिकॉर्डर एंड सो ऑन। फोन की कैमरा ऐप भी काफी ज्यादा अच्छी है। कैमरा ऐप से पहले आपको ये बताता चलूं कि इस फोन में मेन कैमरा सेंसर 12 मेगापिक्सल का है और ये वही सेंसर है जो सैमसंग गैलेक्सी S20 में लगाया गया है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX616 सेंसर लगाया गया है। कैमरा ऐप में आपको 4K अप टू 60 FPS फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर कैमराज मिलता है। फोन में प्रो वीडियो मोड भी मौजूद है। इसके अलावा सुपर स्लो मोशन एट 960 फ्रेम पर सेकेंड और बाकी तमाम बेसिक फीचर्स मौजूद हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाए। S20 फैन एडिशन में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है और ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा ये फोन Exynos 990 चिपसेट के साथ आ रहा है और हमें इसका 8GB रैम वाला वेरिएंट विद 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन का एंटूटु स्कोर 4,90,000 से ऊपर जाता है। फ्लैगशिप डिवाइसेस की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं और ऐसे में सैमसंग S20 फैन एडिशन जैसे फोन का आना एक खुशायंद बात है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। गैलेक्सी S20 फैन एडिशन का कैमरा रिव्यू और फुल रिव्यू बहुत जल्द हमारे चैनल पर दस्तयाब होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।